राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार कीटनाशक के बारे में। यह है किसान भाइयों यूपीएल कंपनी का रिनोवो कीटनाशक। रिनोवो जो कीटनाशक है, ये किसान भाइयों एक सिस्टमिक कीटनाशक है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, किस तरीके से ये कार्य करता है, कौन कौन सी फसलों पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन आप किन किन दवाइयों के साथ मिला करके इसे डाल सकते हैं, इसका स्प्रे कर सकते हैं, रिजल्ट टाइम इसका कितना है, यदि बरसात होती है तो बरसात में इसके किस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ क्या इसकी प्राइस रहेगी, क्या इसकी कीमत रहेगी, क्या इसकी डोज रहेगी, सब कुछ संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। यदि ऐसी ही और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई अन्य कीटनाशक फंगीसाइड या फिर हर्बीसाइड है उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं, आपको उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना करके दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं रिनोवा कीटनाशक। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर आपको कौन सा टेक्निकल देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा थायोमेथोक्सम 25% WG फॉर्म के अंदर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। WG मतलब वर्टेबल ग्रेन्युलर फॉर्म में किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगा। यह किसान भाइयों एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक कीटनाशक है जो अच्छी तरीके से आपकी फसलों पर फैल करके अच्छी तरीके से कीटों का खात्मा कर देता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलों में आप इसका उपयोग करेंगे। तो इसका उपयोग किसान भाइयों आप गोभी में, टमाटर में, बैंगन में, मिर्च में, कद्दू में, लौकी हो, तोरी हो, भिंडी हो, या फिर और भी कोई अन्य फसल, जैसे आपके गन्ने की फसल हो, धान की फसल हो, गेहूं की फसल हो, सभी तरह की फसलों में किसान भाइयों आप रिनोवा इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। थायोमेथोक्सम 25% वर्टेबल ग्रेन्युलर फॉर्म का उपयोग आप कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कौन कौन से रोगों पर इसके अच्छे असर आपको देखने को मिलेंगे। तो सफ़ेद मक्खी पर बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, एफिड पर इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जैसिड पर भी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, थ्रिप्स पर इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, स्टीम बोरर पर इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, लीव फोल्डर पर इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ब्राउन प्लांट होपर पर इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कई सारे होपर्स पर भी किसान भाइयों इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, और भी अन्य कीटों पर इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब किसान भाइयों आपको पता चल गया कि फसलें कौन कौन सी हो सकती हैं जिनमें आप इसका उपयोग करेंगे, और साथ ही साथ मैंने बता दिया कौन कौन से कीटों पर इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इसकी सही डोज की, कि सही डोज इसकी आखिरकार क्या है। तो 1 ग्राम आपको जो है रिनोवा कीटनाशक को लेना है, यानी कि थायोमेथोक्सम 25% WG को आपको लेना है, और 2 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे अपनी फसल पर कर सकते हैं। 1 एकड़ की यदि मैं सही कंप्लीट डोज की बात करूँ तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसे लेना है, और तब आपको इसका स्प्रे करना है। पानी की मात्रा आप 1 एकड़ के अंदर 160 से लेकर के 180 लीटर के आसपास रख सकते हैं, यानी कि 100 ग्राम आपको रिनोवा कीटनाशक ले लेना है और लगभग 180 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो बेहतर परिणाम ये आपको निकाल करके देगा। अब बात कर लेता हूं किसान भाइयों इसकी कीमत की, कि आखिरकार इसकी कीमत कितनी देखने को मिलेगी। तो इसका जो 100 ग्राम का पैक होता है ये आपको किसान भाइयों मार्केट में लगभग 130 से लेके 150 रुपए के आसपास मार्केट में देखने को मिल जाता है। आपके यहां पर इसकी क्या कीमत है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट टाइम की, तो इसका जो रिजल्ट टाइम बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा वो लगभग 13 दिन ये अच्छी तरीके से कार्य करता है। जैसे किसान भाई कपास की फसल पर हमें थ्रिप्स का, सफ़ेद मक्खी का अटैक देखने को मिलता है, उस पर आप इसका उपयोग करेंगे तो 12 से 13 दिन अच्छे रिजल्ट ये निकाल करके देगा, या फिर धान की फसल पर जो होपर्स हमारे लगते हैं उस कंडीशन में आप इसका उपयोग करेंगे, वहाँ पर भी ये 12 से लेके 13 दिन के अच्छे रिजल्ट निकाल करके देगा। अब बात कर लेता हूँ किसान भाइयों इसके कॉम्बिनेशन की, इसका कॉम्बिनेशन किस किस के साथ मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया ये सिस्टमिक कीटनाशक है, तो इसके साथ आपको किसी अन्य कीटनाशक को मिलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो फिप्रोनिल को इसके साथ मिला सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट के निकाल करके नहीं देगा। रही बात फंगीसाइड की, तो 2 से लेकर 4 ऐसे फंगीसाइड हैं जिनके साथ आप इसे मिला सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम इस कीटनाशक को या फिर इस फंगीसाइड को रिनोवा कीटनाशक के साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं, तो किसान भाइयों आप इन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक किसी भी कांच के बर्तन के अंदर या कांच के गिलास के अंदर डाल करके देख सकते हैं। यदि सॉल्यूशन फट जाता है उस कंडीशन में आपको इसका उपयोग नहीं करना है, और यदि ये कार्य आप करना नहीं चाहते या खरीद कर लाना नहीं चाहते तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत ही चेक करके आपको बताऊंगा कि क्या ये आपस में फटेंगे या फिर नहीं फटेंगे, इनका कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। रेन फास्ट एक्टिविटी की बात करूं तो इसका उपयोग करने के यदि 8 घंटे के बाद बरसात हो जाती है तब भी ये आपको
अच्छे रिजल्ट निकाल करके देगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।